अस्सलामु अलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर भाई, इन्फिनिक्स की तरफ से न्यूज निकल के आ रही है कि भाई इन्फिनिक्स बहुत ही जल्द अपनी हॉट 20 सीरीज को ग्लोबली मार्केट में लॉन्च करने वाला है। बेसिकली इन्फिनिक्स के ऑफिशियल पेज के ऊपर इन्फिनिक्स हॉट 20 को लिस्ट भी कर दिया गया है, मतलब कि स्मार्टफोन का डिजाइन भी सामने आ चुका है, स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन भी कन्फर्म हो चुकी है, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। रिसेंटली भी इन्फिनिक्स ने काफी सारे स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किए, अब इन्फिनिक्स हॉट 20 की बारी है। लेकिन टेक्नो वाले जो है ना, वो सत्तू के सो रहे हैं, कोई फोन लॉन्च नहीं कर रहे, सिर्फ एक कैमर 19 न्यू लॉन्च किया था जिसकी अनबॉक्सिंग की हुई है, उसके बाद कैमर 19 प्रो ही फंसा पड़ा है इनका, वो ही नहीं आ रहा अभी तक। वो आएगा, उसके बाद फिर पोवा 3 आएगा, फिर स्पार्क 9 सीरीज आएगी। भाई अभी बहुत देर है, टेक्नो वाले तो सत्तू पी के सो रहे हैं, लेकिन इन्फिनिक्स वाले ना कुछ हलचल दिखा रहे हैं। यहां पर इन्फिनिक्स हॉट 20 जो है वो बहुत ही जल्द हमें पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलने वाला है। खैर, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई स्मार्टफोन के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन आने वाली है, कैसा यह स्मार्टफोन होने वाला है, डिजाइन कैसा होने वाला है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में कब लॉन्च किया जाएगा। सारी चीजें आज की इस वीडियो में क्लियर करता हूं, तो भाई देखो इस वीडियो का एंड तक, बहुत मजा आने वाला है। लाइक कीजिए, बहुत सारे लाइक कीजिए, 100 लाइक्स का टारगेट है भाई, आप लोगों ने टारगेट पूरा करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और भाई अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आप लोगों को इस चैनल के ऊपर देखने को मिलती रहेंगी। ओके गाइस, सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा डिस्प्ले को, तो भाई इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को सेम वही डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो आप लोगों को आज से 1.5 साल पहले इन्फिनिक्स हॉट 11S में देखने को मिला था, और इन्फिनिक्स हॉट 12 जो है ना उसको डिस्प्ले के लिहाज से डाउनग्रेड किया गया था, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को 6.82 इंचेस के IPS पैनल देखने को मिलेगा विद फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, 90Hz का रिफ्रेश रेट होगा, कोई प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगी, एंड भाई मिड पंचोल के साथ 8 MP की सेल्फी मिलेगी जिसकी मदद से आप लोग 1080p में वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये वही सेम डिस्प्ले है जो इन्फिनिक्स हॉट 11S में यूज किया गया था। मैंने इन्फिनिक्स हॉट 11S की अनबॉक्सिंग की है, टेस्टिंग की है, अगर आप लोग देखना चाहें वो वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। खैर, डिस्प्ले काफी ज़रा अच्छा होने वाला है अगर ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में अंडर 30,000 rupees के अंदर लॉन्च किया जाता है, तो डॉलर को देखते हुए लग रहा है कि भाई ये स्मार्टफोन अंडर 30,000 लॉन्च नहीं किया जाएगा, 30,000 से ऊपर ही हमें स्मार्टफोन की प्राइस देखने को मिलेगी। खैर, डिजाइन की बात करूं तो स्मार्टफोन की बैक प्लास्टिक की है जो दिखने में काफी ज़रा खूबसूरत है। पर्सनली स्मार्टफोन का डिजाइन मुझे काफी ज़रा पसंद आया है, और भाई इस स्मार्टफोन का जो डिजाइन है वो काफी ज़रा सिमिलर है इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो से, जो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था। मुझे तो ऐसा लगा कि भाई उसी फोन को रीब्रांड करके पाकिस्तान और भाई ग्लोबली मार्केट के अंदर इन्फिनिक्स हॉट 20 के नाम से लॉन्च किया जाएगा। बहरहाल डिजाइन काफी ज़रा तगड़ा है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के बैक कैमरास की, तो स्मार्टफोन की बैक पर डुअल कैमरास का सेटअप दिया जाएगा जिसमें मेन सेंसर 50 MP का होगा, सेकेंडरी 2 MP का एक डेप्थ सेंसर दिया जाएगा। आप लोग यहां पर मेन सेंसर को ही लेकर चले जो कि 50 MP का है और वही वर्क करेगा। 2 MP का तो भाई सिर्फ नंबरिंग बढ़ाने के लिए लगाया गया है कि भाई उनको पता लगे कि भाई चलो दो कैमरे हैं, एक कैमरा नहीं है, तो भाई इसलिए आप लोग सिर्फ मेन सेंसर को ही लेकर चले जो 50 MP का है, और वही आप लोगों को अच्छी क्वालिटी या फिर जिस तरह इन्फिनिक्स की क्वालिटी होती है कैमरास की, वो आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। लेकिन फिर भी आने पर चेक करेंगे कि भाई इन्फिनिक्स हॉट 20 का जो कैमरा है उसके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट की गई है, स्टिल कैमरे के लिए स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए या फिर इग्नोर कर देना चाहिए। जब यह स्मार्टफोन आएगा तो भाई आप लोगों का भाई जो है वो इस चैनल के ऊपर लाजमी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करेगा, इंशाल्लाह जरूर अनबॉक्सिंग देखने को मिलेगी, तो भाई आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हो सकता है कि भाई इस चैनल के ऊपर आप लोगों को इस स्मार्टफोन की एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग देखने को मिल जाए इन्फिनिक्स हॉट 12 की तरह, क्योंकि मैंने इन्फिनिक्स हॉट 12 की भी एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग की थी इस चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आएगा, XOS 10.6 देखने को मिलेगा जो कि इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला एक मोस्ट लेटेस्ट UI है। चिपसेट की बात करूं तो यहां पर आप लोगों को MediaTek Helio G85 देखने को मिलेगा जो कि 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस करता है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से नॉर्मल चिपसेट है, मतलब कि हाई लेवल की परफॉर्मेंस भी ये चिपसेट आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करेगा और बहुत ज्यादा लो लेवल की परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड नहीं करेगा, नॉर्मल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। पबजी के अंदर आप लोगों को 40 FPS देखने को मिलेंगे, लेकिन जायरो देखने को नहीं मिलेगा, जायरो स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर बेस ही देखने को मिलेगा। अगर ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में अंडर 30,000 rupees के अंदर लॉन्च किया जाता है तो भाई ये स्मार्टफोन जो है वो वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, लेकिन अगर 30,000 से ऊपर जाएगा तो भाई डेफिनेटली ओवर प्राइस होगा, और मुझे पता है कि भाई ये 30,000 से ऊपर की प्राइस में ही लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि भाई हॉट 12 जो है वो तकरीबन 34-35,000 रुपए का मिल रहा है, तो भाई ये स्मार्टफोन तो डेफिनेटली आप लोगों को महंगा देखने को मिलेगा। जो मेरे ख्याल में, मैं ये समझता हूं कि भाई 30,000 से ऊपर MediaTek Helio G85 जो है वो वर्थ इट नहीं है, यहां पर चिपसेट को जो है ना वो अपग्रेड करना चाहिए था। आप लोग क्या कहते हैं, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मेमोरी वेरिएंट की बात करूं तो भाई स्मार्टफोन का अभी तक एक ही वेरिएंट सामने आया है जिसमें आपको 6GB RAM और 128GB की ROM देखने को मिलेगी, और इसी के साथ आप लोगों को 5GB वर्चुअल
रैम का सपोर्ट भी दिया जाएगा, जो कि आप लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हो सकता है कि भाई स्मार्टफोन का 4GB रैम और 128GB रोम वाला वेरियंट भी लॉन्च कर दिया जाए, लेकिन स्टिल इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन 6GB रैम और 128GB रोम वाला वेरियंट जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ डुअल सिम का स्लॉट भी है और साथ ही आप लोगों को डेडिकेटेड एसडी कार्ड का स्लॉट भी मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करो तो भाई स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ फेस अनलॉक का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। लास्ट में बात करते हैं बैटरी की, तो ये स्मार्टफोन टाइप सी के साथ आएगा। 5000mAh की बैटरी है जिसके साथ 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया जाएगा, यानी कि ये स्मार्टफोन 2 घंटे 10 मिनट के अंदर 0 to 100 फुल हो जाएगा। सो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो भाई ये स्मार्टफोन जो है वो एक नॉर्मल स्मार्टफोन होने वाला है। स्पेसिफिकेशन के लिहाज से एवरेज से बेहतर होने वाला है, नॉर्मल स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि आप लोगों को 25 से 30 हज़ार के बीच में जस्टिफाई करेगा। अगर ये स्मार्टफोन 25 से 30 हज़ार की प्राइस में आता है, 30 हज़ार से ऊपर जाएगा तो भाई डेफिनेटली ये जो डिवाइस है ना वो ओवर प्राइस कंसिडर होगी। लॉन्च डेट के हवाले से बात करूँ तो भाई तकरीबन 1.5 मंथ हो गया है इम्पोर्ट ओपन हुए हुए, और मुझे लग रहा है कि भाई अगले मंथ के अंदर ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में डेफिनेटली लॉन्च किया जाएगा। और अगर लॉन्च किया जाता है तो भाई आप लोगों को इस चैनल के ऊपर अनबॉक्सिंग मिल जाएगी, तो भाई आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई नेक्स्ट मंथ ये स्मार्टफोन में पाकिस्तानी मार्केट में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि अंदर की खबर आ रही है। खैर गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।